लास्ट लेक्चर एक्स वाई लिमिटेड का सम हम सॉल्व कर रहे थे बेटा, राइट। एक्स एंड वाई ओल्ड कंपनी वेंडर कंपनी था बेटा, और वो अमलगमेट होके कौन सा कंपनी बन गया था, अमलगमेशन के बाद जेड लिमिटेड, ठीक है, अमलगमेट होके जेड लिमिटेड बन गया, ठीक है। तो हमने सब सॉल्व किया उसका पीसी, उसके बाद जो भी आपका डिस्चार्ज ऑफ पीसी, देन एंट्रीज, एंट्रीज में जेड लिमिटेड का जो एंट्री पास करते हैं हम लोग न्यू कंपनी की बुक में, परचेसिंग कंपनी के बुक में एंट्री पास कर रहे थे। एंट्रीज में भी हमने 4 एंट्रीज कंप्लीट की थी, पहला बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर का, फिर उसके बाद कंपनी एक्स जो वेंडर कंपनी एक्स है उसका सेटलमेंट की एंट्री पास की इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। अब अपने को वाई का, अब परचेसिंग कंपनी वाई का असेट्स और लाइबिलिटीज लेके जाएगा, उसकी एंट्री पास करनी है। तो फिफ्थ एंट्री विल बी असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड टेकन ओवर। तो अब देखो उसके लिए आपने पीसी बनाया था ना बेटा, पीसी से आप अमाउंट देख सकते हो, क्योंकि अगर न्यू कंपनी लेके जाएगा बेटा असेट्स और लाइबिलिटीज, तो अगर एग्रीड वैल्यू दिया है तो वो वैल्यू आपको दिखाना है। इफ एग्रीड वैल्यू इज नॉट गिवन देन यू हैव टू शो बुक वैल्यू, अदरवाइज यू हैव टू शो व्हाट एग्रीड वैल्यू। तो एग्रीड वैल्यू के लिए आप पीसी देख सकते हो ना, इधर सी, यू कैन सी हियर पीसी, ये देखो जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया था बेटा, पीसी में देखो वाई लिमिटेड का 18,20,000, ये एग्रीड वैल्यू है बिल्डिंग और मशीनरी का, एग्रीड वैल्यू 16 लाख, फिर स्टॉक डेटर्स और बैंक, ये तीनों का बुक वैल्यू है, दैट्स इट, इधर ही से कर लो, राइट। तो सारे असेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ऑल द असेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, दैट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, वो सब डेबिट करो, क्लियर। और बेटा क्रेडिट क्या करना है, बराबर, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटीज टेकन ओवर। अब बच्चा लाइबिलिटीज में देखो क्या है, आपका डिबेंचर्स है उसका वैल्यू है 270, ठीक है, एग्रीड वैल्यू। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का वैल्यू है 5 लाख, दैट्स इट। तो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो, बराबर। तो असेट्स डेबिटेड, लाइबिलिटीज क्रेडिटेड, फिर उसके बाद बिजनेस परचेस जो डेबिट था स्टार्टिंग के एंट्री में वो क्रेडिट कर दो बिजनेस परचेस, बस हो गया। उसके बाद अगर कुछ भी बैलेंसिंग फिगर आया, डेबिट में आया बैलेंसिंग फिगर तो गुडविल, क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व, जैसा आपने किया था लास्ट लेक्चर में सेम वही एंट्री है, सिर्फ आप किसका कर रहे हो अभी, जेड कंपनी के बुक में है, मतलब परचेसिंग कंपनी के बुक में, अब किसका टर्न स्टार्ट हुआ है, वाई का, दैट्स इट। चलो सो आ जाओ, सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स पास द एंट्रीज। सो बिल्डिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट आपने डेबिट किया, अमाउंट था बेटा 18,20,000, 18,20,000। चलो नेक्स्ट, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, चलो मशीनरी अकाउंट इज वर्थ 16 लाख। Then next, stock account will be debited. Stock account debit. Now stock account is what? Stock 18 lakhs. After stock, next, debtors account debit. Debtor is what, beta? 10 lakhs. Then next, bank account will be debited. Bank is what? 5,50,000. That's it. So all asset has been debited. Ab one line leave karke rakhna, taki balancing figure agar debit mein aaya to goodwill karke dikha sako. Fir next, credit entry. Credit mein aa jao. To पुराना कितना परसेंट डिबेंचर्स था, डिबेंचर में 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड, बट एग्रीड वैल्यू डिबेंचर्स की एग्रीड वैल्यू क्या हो गई बेटा, वाई ने लिया 2,70,000,
है? चलो वो देख सकते हो आप इधर, ये देखो 270 है ना डिबेंचर्स एग्रीड वैल्यू 2,70,000 कैन सी हियर राइट। सो 2,70,000 याद रखना, ये देखो इधर है 2,70,000 आउटसाइड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय डिबेंचर्स 2,70,000। चलो फिर आफ्टर दैट सन्ड्री क्रेडिटर्स टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट विच इज व्हाट 5,00,000 राइट। अब क्या करना है, जो बिजनेस परचेस डेबिट था वो क्रेडिट कर दो टू बिजनेस परचेस बिजनेस परचेज अकाउंट दैट इज 48,00,000 और फाइनली जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ट्रांसफर करना है कैपिटल से। चलो तो बैलेंसिंग फिगर जरा देख लो कौन सा डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में आ रहा है, विच साइड इज हैवियर बोलो। यस देखो आपका डेबिट ज्यादा आ रहा है राइट, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपको क्रेडिट में, सो बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आया तो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व, दैट इज व्हाट बैलेंसिंग फिगर। कितना आ गया 12,00,000, दिस डेबिट बैलेंस माइनस क्रेडिट 12,00,000 आ गया, दैट्स इट, हो गया बेटा डन, क्लियर बराबर है बेटा। चलो समझो अभी नेक्स्ट एंट्री में क्या किया आपने, अब सेटलमेंट कर रहा लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर रिसीवर हो जाएगा बेटा सेटलमेंट, मतलब ये देखो एंट्री देखो आप एंट्री में था ना बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, तो लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड को कितना देना आपने को 48,00,000, जेड लिमिटेड जो परचेसिंग कंपनी है वो कितना देगी 48,00,000, सो 48,00,000 देगी, इसका मतलब क्या 48,00,000 से डेबिट हो गया। टू क्या देना है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या देना है क्या इशू करना है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर्स कितना नंबर ऑफ शेयर्स कितना 40,000, वो कैसे मालूम पड़ा देखो ना इधर डिस्चार्ज ऑफ पीसी देखो आपका, ये देखो डिस्चार्ज ऑफ पीसी में वाई लिमिटेड है कितना इशू किया 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इशूड एट 120, 40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100, तो शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आएगा बेटा, सो 40,000 इनटू 100 और 120 मतलब 20 रुपीस का प्रीमियम आ गया। तो देखो सी हियर सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 इनटू 100 राइट अ फेस वैल्यू और प्रीमियम कितना 40,000 इनटू 20 दैट्स इट बस राइट। चलो नाउ कंटिन्यू, सेटलमेंट भी हो गया बेटा सेटलमेंट एंट्री डिस्चार्ज ऑफ पीसी एंट्री भी पास कर दिया हमने, अभी वाई लिमिटेड का डिबेंचर्स का सेटलमेंट करते हैं। भाई परचेसिंग कंपनी ने डिबेंचर्स भी सेटल किया है ना वाई लिमिटेड का, तो उसका एंट्री अलग से आएगा, सो चलो लेट्स पास द एंट्री फॉर डिबेंचर सेटलमेंट। सो एंट्री नंबर हो जाएगा ये 6 हो गया ना अभी 7, सो एंट्री नंबर so 7th entry will be what, why 12% debentures of Y limited account will be debited, 12% debentures of what Y limited account will be debited right hai, kitne mein 270 agreed value tha theek hai barabar। अब सुनो इशू किया है ये देख सकते हो आप इधर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है आपको, डिबेंचर्स ऑफ बोथ द कंपनीज टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 14% डिबेंचर्स, नंबर तो इक्विवेलेंट ही रहेगा जो डिबेंचर्स था नंबर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 14% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इन जेड लिमिटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो डिस्काउंट ऑफ 10% आ गया मतलब क्या हो गया बेटा डिस्काउंट लॉस हो गया कंपनी का जेड कंपनी का, भाई परचेसिंग कंपनी के लिए तो डिस्काउंट लॉस ही है ना,
डेबिट हो जाएगा, सेम जैसा एक्स में किया था वैसे एंट्री है. सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड. बराबर, चलो कितना डिस्काउंट 30,000. ठीक है 30,000 टू व्हाट? यस 14% डिबेंचर. न्यू कंपनी में कितना दिया आपने? 14% डिबेंचर अकाउंट देख सकते हो इधर, यू कैन सी हियर, देख रहा है ना? द डिबेंचर ऑफ बोथ द कंपनी टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 14% डिबेंचर. 14% हो गया, पहले 12% था, अभी 14% हो गया. न्यू कंपनी में, परचेसिंग कंपनी में 14% हो गया. नंबर इक्विवेलेंट है, मतलब 3 लाख है डिवाइड बाय 100, तो कितना हुआ? 3000 नंबर ऑफ डिबेंचर. जब 14% हुआ तो इक्विवेलेंट नंबर मतलब 3000 डिबेंचर्स है इनटू डिबेंचर के सामने तो फेस वैल्यू आएगी 100, दैट इज 3 लाख. दैट्स इट, बराबर है 3 लाख. तो इशू हुआ 14% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ही है, बराबर इक्विवेलेंट नंबर है, तो ये तो 3 लाख हो गया. तो कंपनी को 30,000 का लॉस हो गया, जेड लिमिटेड को 30,000 का लॉस हो गया यार. बराबर, फाइनली उसको कितना 270 का ही सेटलमेंट मिल रहा है. इसका मतलब क्या? 30 का लॉस हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. दैट्स इट. तो वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, डिबेंचर इशू करने के टाइम का डिस्काउंट. ठीक है, और इशू वही सेम नंबर ऑफ डिबेंचर है 3000 डिबेंचर्स. दैट्स इट. मतलब 10% डिस्काउंट में इशू किया था, इसलिए डिस्काउंट को डेबिट कर दिया 30,000. तो अमाउंट हो गया नेट 2,70,000. दैट्स इट. सेम जो एक्स का किया है वैसे ही वाई का. चलो, तो कभी भी याद रखना, सेंटेंस पढ़ना, क्या दिया है सेंटेंस के बेसिस पे ही पास करना. डिबेंचर्स ऑफ बोथ द कंपनी टू बी कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 14% डिबेंचर, इक्विवेलेंट. तो 3 लाख डिवाइड बाय 100, दैट इज 3000 डिबेंचर्स. तो न्यू कंपनी में भी 3000 डिबेंचर्स ही होगा, बराबर है, ऑफ 100 ईच. इसे देखो, न्यू कंपनी में 14% डिबेंचर्स, 3000 इनटू 100, दैट इज 3 लाख. बट इशू किया है 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आ गया तो बेटा डेबिट हो जाएगा. नॉर्मल सी बात है, डिस्काउंट और इशू डिबेंचर्स वो तो डेबिट आ जाएगा, तो डेबिट कर दिया बस. डिस्काउंट और इशू डिबेंचर्स हैज बीन डेबिटेड. दैट्स इट. क्लियर, मालूम पड़ गया? तो बस वो याद रखना, माइंड में रखना. चलो आगे. ये हो गया आपका 7th एंट्री भी डन. अब लास्ट एंट्री आपको क्या पास करना है, सब हो गया. देखो बेटा, आपके पास स्टैट्यूटरी रिजर्व है. स्टैट्यूटरी रिजर्व देखो, दोनों कंपनी का था, वेंडर फर्म का, वेंडर कंपनी का, दोनों वेंडर कंपनी का स्टैट्यूटरी रिजर्व है देयर. सी, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व क्या है? स्टैट्यूटरी रिजर्व है ना बेटा. 3 लाख 3 लाख टोटल कितना हुआ? 6 लाख. तो स्टैट्यूटरी रिजर्व तो परचेसिंग कंपनी को मेंटेन रखना पड़ेगा. स्टैट्यूटरी जो रिजर्व है, दैट इज एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इज व्हाट? स्टैट्यूटरी रिजर्व. वो कंपनी को मेंटेन रखना पड़ेगा, तो कंपनी मेंटेन रखेगी, परचेसिंग कंपनी. तो उसके लिए एंट्री क्या बताया था मैंने? अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व. ये क्या है? लाइक अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व. अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसका नाम दिखा देना. तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में एक्स लिमिटेड का है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ऑफ एक्स लिमिटेड और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड. दैट्स इट. तो आ जाओ. So, amalgamation adjustment reserve. What amalgamation adjustment reserve account will be debited? Amalgamation adjustment reserve account will be debited to स्टैट्यूटरी रिजर्व. और स्टैट्यूटरी रिजर्व में क्या है आपके पास? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, तो दिखा देना एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट. चाहिए तो डायरेक्टली 6 लाख लिख दो एक्स और वाई का कंबाइंड करके, या फिर अगर दिखाना है तो दिखा सकते हो ऐसे. ये एक्स लिमिटेड का हो गया, दैट इज 3 लाख फॉर एक्स लिमिटेड एंड 2 एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व फॉर वाई लिमिटेड.
y limited, that is also 3 lakhs. Total will be 6 lakh. That's done. Barabar hai? Okay. So, ये हो गया अपना एंट्री पास, एंट्री डन हो गया. ठीक है, मतलब परचेजिंग कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री अपना डन. बराबर. नाउ वी हैव टू मेक अ बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट बनाते हैं. चलो लेट्स मेक अ बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में पहले जो मेन फॉर्मेट है बैलेंस शीट का वो अरेंज कर देते हैं. नोट्स टू अकाउंट चाहिए रहेगा तो हम लोग बाद में कर लेंगे. ठीक है, चलो नोट्स टू अकाउंट नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, उस पर टाइम देंगे. नोट्स टू अकाउंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेसिस पे सब डालना है अमाउंट. चलो, और याद रखना है नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये पहला दो आइटम का नोट्स टू अकाउंट तो कंपलसरी फिक्स बनाने का ही बनाने, चाहे एक आइटम हो चाहे दो आइटम हो तीन आइटम हो कुछ भी हो, राइट, वो बनाना ही है. बाकी किसी का क्या, सिंगल आइटम है तो नो नीड, तो डायरेक्ट कर सकता है बाकी किसी के लिए, मतलब लाइक नॉन करेंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, ये सब के लिए. बट शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए फिक्स बनाने का. चलो, सो आ जाओ बैलेंस शीट बना रहे अभी. बैलेंस शीट ऑफ व्हाट, जेड लिमिटेड, बराबर है, एज एट डेट क्या है, एज ऑन या एज एट डेट. तो डेट तो वही 31st March 2017 मेंशन है, तो कोई बात नहीं, दिखा दो 31st March 2017 या 1st April 2017 भी कर सकते हो आप. 31st March 2017 ब्रैकेट में दिखा दो आफ्टर अमल के मेंशन. ब्रैकेट में शो कर दो आफ्टर व्हाट अमलगमेशन. शो इन ब्रैकेट दैट इज आफ्टर अमलगमेशन. चलो आया आफ्टर अमलगमेशन. फॉर्मेट रेडी कर लो. सो सी, बैलेंस शीट बना रहे हम लोग, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही पूरा कंप्लीट करेंगे. कंप्लीट इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही करते बेटा, राइट. सेम अभी हाफ किया, फिर उसका नेक्स्ट लेक्चर में हाफ, तो थोड़ा लिंक टूट जाएगा. ठीक है, तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी शेड्यूल के हिसाब से ओनली 1 मिनट बाकी है.